उज्जैन के नागदा खाचरौद में 15 किलोमीटर सड़क में 195 से ज्यादा गड्ढे हैं। बता दें यहां 10 जगह ऐसी हैं जहां जरा सा ध्यान हटते ही हादसा हो जाए, लेकिन इस ओर सरकारी कर्मचारियों का कोई ध्यान नहीं है। बता दें रोड पर हो रहे गड्ढों से यहां रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, वहीं जहां आज 2 लोगों की एक्सीडेंट में मौत हो गई। आपको बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि इस रोड पर हादसे होते रहते हैं। बुरानाबाद चौराहे पर शुक्रवार को एक गाड़ी लाइन के खंभे से टकरा गई। इन गड्ढों से थोड़ी सी नजर हटती है कि हादसा हो जाता है। इस 15 किलोमीटर की सड़क पर लगभग आसपास के 35 गांव के बच्चों का स्कूल आना जाना है। इस सड़क से 50 गांव के किसानों का आना जाना भी लगा रहता है। आसपास के ग्रामीणों ने बताया कि रात के अंधेरे में 2-पहिया वाहन इन खंडों में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। सबसे मुख्य बात तो यह है कि जिम्मेदार नेताओं का भी इसी नागदा बाईपास से निकलना होता रहता है। सड़क के गड्ढों पर मलहम लगाना वे उचित नहीं समझ रहे हैं। आसपास के ग्रामीणों ने बताया कि कई बार खबर भी लग चुकी है, कई बार अधिकारियों को भी बता दिया गया है, पर अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। पता नहीं कब तक इनकी नींद खुलेगी और कितनों की जान लेने के बाद इनकी नींद खुलेगी।